इन्होंने मार्च के महीने में छापा मारा था और उसके बाद आज इन्होंने एक बिल भेजा 10 दिन पहले 2 लाख क्या नाम उसके 2.5 लाख के करीब का, और आज इन्होंने 2 बजे यहाँ की लाइट काट दी दलित समाज की चौपाल की। चौपाल की हालत विद्युत विभाग के द्वारा BSS के द्वारा इस चीज को किया गया है, जो है क्या नाम है बंद कर दिया गया, अंदर से बिजली बंद की गई है। ये हमारे बीच में तेजपाल सिंह जो है प्रधान है यहाँ के RWA के, और मैं इनसे जानना चाहूंगा आज से पहले कोई बिल आया या इससे पहले प्रधान थे उनके पास कोई बिल आया, या किस प्रकार से ये भारतीय संविधान के रक्षक, भारतीय जनभूमि के रक्षक भीमराव अंबेडकर के चौपाल पर, जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर में बिल्कुल अंधेरा है और आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ है और इसको बाहर से बंद किया गया था, इसको बंद करने का क्या प्रोसीजर है मैं जानना चाहूंगा। प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये चौपाल आज से हमारे बुजुर्गों की डी और वो है, और ना इस पे पहले कोई मीटर था या नहीं था हमें कुछ वो नहीं है। जब से हमने होश संभाला है, लाइट BDO दे या मतलब यहाँ का वो दे क्या नाम उसका विधायक, तो उसका बिल वो ही पे करते थे। ना हमारे पास कोई नोटिस आया, ना हमारे पास कोई वो आया था कि भाई आप इस पे चौपाल में मीटर लगवाओ क्या नाम। तुरंत छापा मारा गया, छापा मारने के बाद फिर हमें तीन चार महीने बाद बिल भेजा गया, और बिल भेजने के बाद आज हमारी दो बजे लाइट काट के चले गए वो। तो ये लाइट काटी गई, इससे पहले आपको कोई अवगत नहीं कराया गया था, या इससे पहले जो प्रधान थे उनको अवगत नहीं कराया गया था? जैसा कि पहले मतलब विश्व सूत्रों से पता चला कि इससे पहले राम किशुन जी यहाँ के प्रधान थे, उनके पास भी कोई मतलब नोटिस नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आवाज उठाना चाहेंगे यहाँ के MP से और विधायक से? हमारी यही उनसे वो है दरखास्त, हमारी इस चौपाल की समस्या को दूर करें। हमारे MP साहब रमेश बिधूड़ी साहब और हमारे विधायक प्रकाश जारवाल जी। तो ये था मैं देवली विधानसभा के अंतर्गत चौपाल नई बस्ती के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आपको दिख रही है, संविधान रचयिता की प्रतिमा आपको दिख रही है। लोगों ने जैसा कि बताया कि हमारे बीच में प्रधान जी मौजूद थे, इन्होंने बताया कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं है, 2 बजे लाइट काट दी गई। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर आगे अवगत कराता रहूंगा। जनता जनार्दन से आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, ऐसे ही न्यूज मिलती रहेगी, रिपोर्ट मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।